बीच बजाज फाइनेंस के नतीजे आते हुए और अच्छे लग रहे हैं नतीजे, तो मेरे ख्याल से अनुमान से बेहतर है। 767 करोड़ पे मुनाफा आया है, NII 2369 करोड़, सभी हमारे अनुमान से बेहतर ही दिखाई देते हैं। 640 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 720 करोड़ पे आया है, तो अच्छा है नतीजा नेट प्रॉफिट का। और अगर आप दूसरे पैमाने पर भी देखें, मेरे ख्याल से NII भी बेहतर है। प्रदीप, फिलहाल प्रॉफिट का ही आंकड़ा सामने दिखाई दे रहा है, 2369 करोड़, और ये भी मेरे ख्याल से तो अनुमान से बेहतर ही है। 2365 करोड़, हम 2278 करोड़ का अनुमान लगा रहे थे, तो वो नंबर्स बेहतर हैं। वो स्टॉक में देखिए, अब धीरे धीरे करके रिएक्शन आना शुरू होगा। प्रॉफिट के फ्रंट पर एक बीट है, 720 करोड़, 21 करोड़ का आंकड़ा, मैं दोहरा रही हूँ आंकड़ों को। और साथ ही साथ ब्याज से आए, देखिए 2365 करोड़ पर आई है, जहां पर हमारा अनुमान था ये 2278 करोड़ पर नंबर रहेगा। स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, निचले लेवल से रिकवरी, 1920 के लेवल्स आ चुके हैं। परिस्थिति क्या है सच्चिदानंद बताइए, क्योंकि 1920 तक गया और उसके बाद देखिए फिर से अटक रहा है। देखिए, लगातार इस हफ्ते से हम इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह भी डिस्कस हुआ था ये स्टॉक। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है। बट ओवरऑल इमीडिएटली अगर देखें तो एक जस्ट फ्रेश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा गया अराउंड 1900 लेवल्स के आसपास। आई थिंक इसका अगर हम पैटर्न के हिसाब से टारगेट देखें तो अराउंड 2040 तक एक एक्सटेंशन की उम्मीद की जा सकती है। तो आई थिंक यहाँ पर पोजिशन लॉन्ग में ही रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी है तो आई थिंक 1840 के आसपास उनको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड रिव्यू करना चाहिए जैसे एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है अराउंड 2040 के आसपास। ओके, 2040 आप कह रहे हैं वहां पर ब्रेकआउट होगा, इसका ऑल टाइम हाई तो मेरे ख्याल से 2000 नहीं है, 1980 का ब्रेकआउट लेवल है एंड एक्सटेंशन का जो टारगेट है अराउंड 2040, उस पैटर्न टारगेट के आसपास आपको रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो यहां से ₹100 का मौका आप देखते हैं। स्टॉक में भी देखिए शुरुआत में वही सिचुएशन हो रही थी जो स्कॉट्स में थी, लेकिन उसके बाद फॉलो अप बाइंग आ गई है और ये दिन के लोस से दिन के हाईस पे जा रहा है। तो खबरें पचाने के बाद इस स्टॉक में पॉजिटिव रुख अब बनता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि अभी भी थोड़ी कश्मकश हो रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। सच्चिदानंद कह रहे हैं यहाँ पर तेजी करनी चाहिए आपको, इस वक्त ₹100 का मुनाफा आपको यहां से मिल सकता है। और स्टॉप लॉस आपने कहां बताया? देखिए, अगर ट्रेडिंग मोमेंटम है तो 1880 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड अगर पोजिशनली लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखे तो आई थिंक 1840 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। प्रदीप, इन नंबर्स के बाद लेकिन बजाज फिनसर्व के स्टॉक में तेजी आ रही है और वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, फाइनेंस का जो होना था हो गया, अब अगला नतीजा जो आएगा इस ग्रुप से वो बजाज फिनसर्व का ही है और इसमें पिछले 5 मिनटों में एक अच्छा पुल अप देखने को मिला है। 5363 के लेवल्स 1.5% ऊपर है। सच्चिदानंद, इसमें बताइए कि जो ट्रेड आ रहा है ये क्या इसको फॉलो थ्रू कर सकते हैं और तेजी आएगी इसमें? बजाज फिनसर्व जी 5390 पर आ चुका है, देखिए ₹70 ऊपर पिछले 2-3 मिनटों का खेल। देखिए, इसमें भी एक कंसोलिडेशन ही है। इनफैक्ट ऊपर के लेवल देखिए तो अराउंड 5430 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल एस्टैब्लिश हो जाता है तो आई थिंक एक्सटेंशन आ सकता है अराउंड 5560 तक का। तो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। इमीडिएटली अगर नीचे के स्तर देखें तो जब तक स्टॉक आई थिंक 5300 के ऊपर कोट कर रहा है आई थिंक हेल्दी स्टेट में ही है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना उचित रहेगा। ओके, 5400 के लेवल्स, नतीजों का इंतजार यहां पर, अगले नतीजे इसी कंपनी के आएंगे तो ये रेडार पर रखिए और नंबर से पहले एक अच्छा तेजी का एक्शन। okay, लेकिन देखिए बजाज फाइनेंस का आपका कॉल सच्चिदानंद जो आपने कुछ देर पहले दिया था, अब 1976 ये लेवल मैं देख रहा हूं और 1967 आई थिंक वो एक लेवल था जो हाल का 3-4-5 हफ्तों के पहले का हाई था, उसके ऊपर यानी 2018 का नया हाई बजाज फाइनेंस ने बना लिया है उस कॉल के बाद और इसका ऑल टाइम हाई है 1985-86 के आसपास का, उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक शानदार कॉल, कमाई का मौका आपको अभी अभी यहां पर मिला है इस कॉल में, नतीजे आने के तुरंत बाद जो सच्चिदानंद ने दी थी और उसका टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। इस साल का हाई तो चलिए हो ही गया, ऑल टाइम हाई शायद जल्द ही हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। जी हाँ प्रदीप, और ये देखिए बजाज फाइनेंस एक बार फिर से जरा आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं, 2039.80 रुपए ये हाई बनाया आपका 20 पैसे से, 2040 का टारगेट ऑलमोस्ट आ गया हम ये मान सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपने ये टारगेट चुना था 20 पैसे के लिए, माफ कर दे इनको राजेश, माफ कर देना। तो चलिए आप बधाई दीजिए, हमारी तरफ से आंसर तो बहुत दूर है। तो आप देखिए, आपने ₹100 की कमाई स्क्रीन पर देखते देखते हमारे इस प्रोग्राम में की होगी अगर आपने
हमारी बात सुनी, जब ये नतीजा आया, नतीजा उम्मीद से बेहतर था और उसके बाद तेजी बनती हुई दिखाई दी। हमने सच्चिदानंद से पूछा था, उस वक्त 1940 पे था, 2040 के इन्होंने टारगेट दिए और 2039.80 रुपए पे वो बुक हो गया, तो 100 रुपए की कमाई। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, शानदार कॉल जो आज आपने दी। और अब आगे बढ़ते हैं।